हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस हैं, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को बंद कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि टच साउंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन से ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन है, तो उसको ऑफ कैसे करेंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास कनेक्शन सेटिंग्स आ जाती है, तो कनेक्शन सेटिंग्स पे जाकर आपको बैक करना है, साउंड एंड वाइब्रेशंस पे चले जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाकर जो भी आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पे जाना होगा, सिस्टम साउंड सेटिंग्स पे, जहाँ से आप सिस्टम का टच साउंड ऑफ कर सकते हैं, और कोई भी साउंड आपका टच साउंड शो नहीं करेगा सिस्टम में क्योंकि ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं, या फिर स्मैचली सिस्टम साउंड को ही ऑफ कर देंगे तो भी आपका कोई साउंड वगैरह शो नहीं करेगा। या फिर अपने फ़ोन में आप टच वाइब्रेशंस को ऑफ करना चाहें तो यहाँ पर टैप करके टच वाइब्रेशंस पे जा सकते हैं, और यहाँ से सिस्टम वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं। कोई भी वाइब्रेशन सिस्टम में शो नहीं करता है, एंड आप इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन भी कर सकते हैं, कोई भी साउंड शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो